हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग संचयन भाग एक का पाठ 6 दिए जल उठे के प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय एवं मुख्य जो इसमें पात्र हैं उनके बारे में जानते हैं, संक्षेप में जानते हैं। पाठ का परिचय कि मूलतः इस पाठ में स्वाधीनता के दौरान महान देशभक्त नेताओं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, उस समय की जो घटनाएं हैं, उन मुख्य जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। गांधी जी और उनके सत्याग्रही जब रास से चलकर कनकापुरा पहुँचे तो एक वृद्धा महिला ने उनसे देश को आज़ाद कराने के लिए कहा, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे आज़ाद करवा के ही लौटेंगे। और उसके बाद जो है, जब ये मही नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ पे अनगिनत लोग दिए हाथ में लिए इकट्ठा थे, और वे जो है गांधी जी के और वल्लभ भाई पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू जी के जयकारे लगा रहे थे। इस पाठ में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा पर आधारित जो अंश है उसको मधुकर जी के धुंधले पदचिन्ह नामक इससे अंश उस मतलब इस पाठ का अंश लिया गया है। घनी अंधेरी रात में गांधी जी द्वारा महीसागर नदी पार करने तथा लोगों के अदम्य उत्साह का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब हम लोग पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ में मुख्य व्यक्तियों की चर्चा की गई है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है इस पाठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा की गई है। डांडी कूच के की तैयारी के सिलसिले में 7 मार्च को रास पहुँचे थे वल्लभ भाई पटेल, और उपस्थित जनसमुदाय के आग्रह पर 2 शब्द कहना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। स्थानीय कलेक्टर शिलिडी के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि क्योंकि सिलिडी अपने बदले की भावना से उसने ये कार्य किया। अब पुलिस जो है पहरे में बोरसद की अदालत में उन्हें ले गई, और जज को 8 लाइन का फैसला लिखने में करीब 1.5 घंटे का समय लग गया। 500 रुपये के जुर्माने के साथ उन्हें 3 महीने की कैद की सज़ा हुई। साबरमती जेल ले जाया गया उन्हें, और आश्रम के सामने से जब वे गुजरे तो गांधी जी और उनके अन्य आश्रमवासी उनसे मिलने आए। उनसे एक संक्षिप्त सी मुलाकात हुई गांधी जी से। उन्होंने कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी की देश भर में कड़ी निंदा की गई। उसके बाद दूसरा पात्र जो इस मुख्य पात्र के रूप में इस पाठ में जिनका वर्णन है वे हैं महात्मा गांधी। सरदार पटेल से मिलने के लिए आश्रम के बाहर आए। गांधी जी के रास पहुंचने पर भी वह कानून लागू था जिसके तहत वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। लोगों की आत्मा को जगाते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग दरबार लोगों के त्याग और हिम्मत सीखें। ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही यात्रा करने का उन्होंने निश्चय किया था, और गाजे बाजे के साथ सत्याग्रही गांधी जी की तथा गांधी जी रास पहुँचे। सरदार पटेल की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा गांधी जी ने कि उन्हें यह पुरस्कार आपकी सेवा के फल के रूप में मिला है। एक 105 वर्ष की वृद्ध महिला ने उनसे कहा कि स्वराज लेकर ही वापस आना, और फिर
उनको लोगों ने सवारी से ले जाने का प्रयास किया। इस पर उन्होंने कहा कि ये धर्म यात्रा है और इसे धर्म यात्रा का नाम देते हुए उन्होंने पूरी यात्रा पैदल ही तय की। नई नदी पार नदी तट पर दोनों ओर कई हज़ार लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे। उसी समय गांधी जी ने नाव से नदी पार की। घनघोर अंधेरे में उपस्थित जनसमूह का उत्साह और गांधी जी की दृढ़ निश्चय का अद्भुत दृश्य यहाँ दर्शनीय है। अब रघुनाथ काका जो कि इस पाठ के एक अन्य सदस्य हैं, मुख्य सदस्य मुख्य पात्र हैं, तो इनके बारे में कि गांधी जी को ये नदी पार कराने की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। इसके लिए काका ने एक नई नाव खरीदी। नाव को लेकर कनकापुरा पहुँचे। बदलपुर निवासी रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज का नाम दिया। रात 12 बजे के बाद गांधी जी को नाव में बैठाकर रवाना की गांधी जी नाव में बैठकर उनकी नाव पे बैठकर रवाना हुए। नदी तट के दोनों तरफ हाथ में दिए लिए हुए कई हज़ार लोगों के बीच गांधी जी को सकुशल नदी पार कराई गई और उत्तरदायित्व का काम उन्होंने रघुनाथ काका ने भली प्रकार निभाया। ये था पाठ का पात्र परिचय। अब पाठ का सारांश। रास के विशाल बरगद के वृक्ष ने उनकी छाया में इतिहास को पनपते गांधी जी और पटेल के आदर्शों का अनुगमन करते हुए लोगों तथा सत्याग्रह की लड़ाई का स्वयं अनुभव किया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में पहले ही गिरफ्तार करके बोरसद की अदालत में लाया गया था। वहां जज ने अपना फैसला सुनाया जिसके अंतर्गत उन्हें 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सजा हुई। अब हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश क्यों दिया। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि स्थानीय कलेक्टर सिलडी द्वारा निषेधाज्ञा लागू किए जाने पर निषेधाज्ञा लागू करने पर सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल का लोगों को दो शब्द कहने के आग्रह को स्वीकार करना ही उनका अपराध था। आइए इस प्रश्न को लिखते हैं। पहला प्रश्न है, स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश क्यों दिया। स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश क्यों दिया। ये है पहला प्रश्न। अब इस प्रश्न का उत्तर हम जाने लिखेंगे। स्थानीय कलेक्टर सिलडी द्वारा स्थानीय कलेक्टर सिलडी द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने पर निषेधाज्ञा लागू
करने पर निषेधाज्ञा लागू करने पर सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल का लोगों को दो शब्द कहने के आग्रह को पटेल का लोगों को पटेल का लोगों को दो शब्द लोगों को दो शब्द कहने के आग्रह को स्वीकार कहने के आग्रह को स्वीकार करना ही उनका अपराध था। करना ही उनका अपराध था। करना ही उनका अपराध था। उस शासन काल में लोग सरकार के विरुद्ध उस शासन काल में उस शासन काल में लोग सरकार के विरुद्ध लोग सरकार के विरुद्ध लोग सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी कहने का साहस नहीं रखते थे। एक शब्द भी कहने का साहस नहीं रखते थे। नहीं रखते थे रहने का साहस नहीं रखते थे। सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करते ही सरकारी आज्ञा का उल्लंघन सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करते ही सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करते ही सरकार निषेधाज्ञा लगाकर सरकार निषेधाज्ञा लगाकर सरकार निषेधाज्ञा लगाकर गिरफ्तारी का आदेश दे देती थी। गिरफ्तारी का आदेश देती थी। गिरफ्तारी का आदेश दे देती थी। कलेक्टर सिलीडी को पिछले आंदोलन
कलेक्टर सिलिडी को पिछले कलेक्टर सिलिडी को पिछले आंदोलन पिछले आंदोलन आंदोलन पिछले आंदोलन में सरदार पटेल ने अहमदाबाद से में पिछले आंदोलन में सरदार पटेल ने अहमदाबाद से भगा दिया था अहमदाबाद से भगा दिया था। शिलिडी ने अवसर मिलते ही पटेल को गिरफ्तार कर अवसर मिलते ही पटेल को गिरफ्तार कर अपने अपमान का बदला ले लिया। पटेल को गिरफ्तार कर अपने अपमान का बदला ले लिया। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है, जो कि नीचे समाप्त न होने की वजह से ऊपर लिखा गया है। यहाँ पे सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करते ही सरकार निषेधाज्ञा लगाकर गिरफ्तारी का आदेश दे देती थी। कलेक्टर सिलिडी को पिछले आंदोलन में सरदार पटेल ने अहमदाबाद से भगा दिया था। सिलिडी ने अवसर मिलते ही पटेल को गिरफ्तार कर अपने अपमान का बदला ले लिया। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जज को पटेल ने सजा के लिए 8 पंक्तियों का फैसला लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगाया, स्पष्ट करें। ये है दूसरा प्रश्न। प्रश्न दो है कि आठ पंक्तियों का फैसला लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट करें, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर है,
प्रश्न दो। इस प्रश्न का उत्तर है कि बोरसद अदालत में पटेल की सजा के लिए 8 लाइन लिखना था और क्योंकि फैसले को लिखने में 1.5 घंटे का समय, इसलिए क्योंकि वे ये नहीं तय कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि उन्हें किस धारा के तहत कितनी सज़ा दी जाए। जज ने पटेल को 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के जेल की सज़ा सुनाई। ये है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। बोरसद बोरसद अदालत में पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 8 लाइन के फैसले को लिखने में 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटे का समय लगा क्योंकि डेढ़ घंटे का समय लगा क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा था समझ पा रहा था वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत कितनी सज़ा दी जाए कि उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा दी जाए किस धारा के तहत कितनी सजा दी जाए। जज ने पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद
इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल, साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती जेल ले जाया गया ले जाया गया इस सूचना से गांधी जी अत्यंत क्षुब्ध हुए। इस सूचना से गांधी जी गांधी जी अत्यंत क्षुब्ध हुए। इस सूचना से गांधी जी अत्यंत क्षुब्ध हुए। अब हम लोग तीसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मैं चलता हूँ अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत कीजिए, उद्धृत पाठ के संदर्भ में कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है कि बोरसद से साबरमती जेल के रास्ते में आश्रम पड़ता था। सभी आश्रमवासी जेल के लिए, देश के लिए संघर्ष करके जेल जाने वाले ने जेल जाने के लिए तैयार सरदार पटेल की एक झलक पाने के लिए लालायित थे और वे उन्हें देखना चाहते थे, इसीलिए आश्रम के बाहर आकर खड़े हो गए। लोग समझ रहे थे कि मोटर नहीं रोकेगी, परंतु पटेल का इतना रौब था कि मोटर वहाँ रोकनी पड़ी और गांधी जी और पटेल सड़क पर ही मिले। पटेल ने कार में बैठते हुए कहा, मैं चलता हूँ अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। इसका तात्पर्य यह है कि वे सहर्ष जेल जाने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं और सत्याग्रहियों को संभालने का पूरा दायित्व अब गांधी जी ही को ही वहन करना पड़ेगा तथा स्वाधीनता की राह में उन्हें भी जेल का सफ़र तय करना पड़ सकता है। इस भारत माता की को बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए ऐसे जाने कितने तूफानों से हम सबको गुजरना पड़ेगा, ये वो बताना चाहते थे। अब अगला प्रश्न है, आप इन लोगों के से त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किनके लिए कहा और किस संदर्भ में कहा? ये प्रश्न है, ये इसका उत्तर है, गांधी जी ने इस कथन को कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में रहने वाले उन लोगों से कहा जो गांधी जी के अनुयायी थे और गांधी जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि उन्हें भी दरबार के रियासतदारों की भांति जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़कर राष्ट्रहित के लिए अग्रसर होना चाहिए। और गांधी जी ने यह भी समझाया कि उन दरबारियों से हिम्मत के साथ जीने की शिक्षा लेनी चाहिए। व्यक्तिगत हितों एवं स्वार्थों को त्याग कर राज दरबार की परंपराएं छोड़कर आधुनिक वर्तमान संस्कृति का अनुगमन करना चाहिए और ताकि वे भी गोपालदास और रविशंकर महाराज की भांति अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकें। गांधी जी ने यह वाक्य उस समय कहा जब वे
अकेले ही रास पहुँचे थे। उस समय सारे देशवासी सरदार पटेल की गिरफ्तारी से दुखी थे, क्षुब्ध थे, और गांधी जी के बोरसद से निकलकर गांधी जी के बोरसद से निकलकर जलालपुर पहुंचने तक की जो योजना थी वह बड़ी पुख्ता ढंग से बनाई गई थी। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।